हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्री। आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। आज मेरे सीरियल में जो सासू माँ बनी है मेरी, मैं उनको प्यार से अम्मा बुलाती हूँ, क्योंकि सीरियल में भी मैं उनको अम्मा बोलती हूँ, ऑफ स्क्रीन भी अम्मा बोलती हूँ, क्योंकि उनसे सच में एक माँ वाली फीलिंग आती है और वो मम्मी जैसे हम लोगों का केयर भी करती हैं। और जैसे कि मेरे साथ आप लोगों को पता ही है, ये है निशा जो मेरे सीरियल में ननद बनी है। कुछ दिन पहले इसका बर्थडे गया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया निशा को इसके बर्थडे में। तो अभी एक छोटी सी कोशिश है अम्मा को खुश करने का, क्योंकि बैक टू बैक हम दोनों सीन में बिजी हैं तो केक आने में थोड़ा लेट हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि रूम का डेकोरेशन, कुछ गिफ्ट्स मैं लाई हूँ अम्मा के लिए। और निशा, कल मेरा ऑफ था, निशा का कल ऑफ भी नहीं था, तो निशा ने बोला दीदी केक मेरे तरफ से रहेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है केक आने में, तो हम सोच रहे हैं कि जितना हो सके हम मम्मी को सरप्राइज़ दे देते हैं अम्मा को, क्योंकि फिर पता चला अम्मा का पैकअप हो जाएगा तो अम्मा घर चली जाएंगे, क्योंकि बर्थडे है, उनको अपने घर में भी अपने फैमिली के साथ टाइम बितानी होगी। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है, क्योंकि गुब्बारा वगैरह फुलाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। सीन में बुला रहे हैं, 15 मिनट है, तो डेकोरेशन एक बार दिखा देते हैं। और थैंक यू सो मच निशा, करने में इसने मेरी मदद की है, तो एक बार दिखाते हैं पास में, क्योंकि वाइट दीवार है तो शायद समझ में नहीं आ रहा, दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन है, क्योंकि अम्मा भी बहुत स्वीट है, उम्मीद है उनको अच्छा लगेगा। ये मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ अम्मा के लिए, तो चलिए उनको बुला के एक सरप्राइज़ देते हैं। बाकी गिफ्ट ओपनिंग करते करते अगर सीन में बुला लिया तो सीन करके आगे हम कंटिन्यू रहे, देखो अभी हंस रही है दोनों को जाना, देखते हैं हम कितना। चलो अम्मा, रूम में कुछ है आपके लिए, और अभी कैमरे में है मेरी ब्यूटीफुल ननद, तो ये सास बहू चल रहे हैं, कुछ सोचा एक नंबर रूम में मैडम, एक नंबर रूम में आप बच्चे, तुम जाओ कैमरामैन, तुम एक नंबर रूम, आइए आइए तो आइए, छोटी सी कोशिश है अम्मा थोड़ा कुछ अलग करने की आपके लिए, एंड लव यू सो मच। ये डे वन से जो मम्मी वाली प्यार इनसे मिली है, और जिस दिन निशा भी रहती है उस दिन अम्मा मेरे साथ देती है, जिस दिन मैं नहीं रहती अम्मा निशा के साथ देती है, और ये तो हमारी ये हमारी फेवरेट। ये आपके लिए एक छोटा सा डेकोरेशन है, कैसा लगा आपको ये बताओ? बहुत ही बहुत ये जो हर इसमें लव यू अम्मा है ना, ये वो दिल से लव यू अम्मा है, ठीक है। और ये कुछ छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, तो अभी बुआ तारा जी पायल ये लोग सीन में है, तो गिफ्ट होल्ड में ही रखते हैं, सबके सामने ओपन होगा, क्योंकि फिर अभी केक भी नहीं आया, केक भी नहीं आया है, तो थोड़ा सा मतलब मैं नहीं मंगा पाई हूँ, तो थोड़ी खाली गिफ्ट ही लेकर आई हूँ, तो थोड़ा सा। तो गाइस, ये रही आज की बर्थडे गर्ल। आजकल अम्मा के साथ बहुत ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे रील शेयर, अम्मा के साथ रील शेयर करने में जो मज़ा मुझे उन दिनों की बात है, मैं ताई जी के साथ आती थी तो वही एक कोऑर्डिनेशन हो चुकी है अम्मा के साथ। और अगेन हैप्पी बर्थडे अम्मा, एक छोटी सी कोशिश है आपको खुश करने की, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो डे वन से हमारे सेट की सबकी चहेती हैं ये, और डे वन में जैसे ये आई थी, आज 5-6 महीना होने के बाद भी सेम नेचर है। भूख लगे तो अम्मा के पास कुछ ऑप्शन होगा, आप कोई भी दुख है मन में तो अम्मा से आप शेयर कर लो, और जितनी सोबर दिख रही है एक्चुअली है, लेकिन अंदर से मस्तीखोर भी बहुत है। डांस तो भाई बस खाली बोलना पड़ता है कि मुझे अम्मा नहीं चाहिए, मुझे कंचन मिश्रा चाहिए, फिर देखिए धमाल। तो हैप्पी बर्थडे अम्मा, थैंक यू सो मच, हो गया, बस टाइम कम था, तो सिंपल सा डेकोरेशन है, और बच्चों का ना प्यार बहुत है, और ये बहुत प्यार करते हैं बच्चे। मुझे ना अम्मा बोल के इतना अच्छा लगता है, मतलब ये शो जब तक है तब तक तो है ही, लेकिन ये शो के बाद भी आई नो अम्मा के साथ मेरा रिश्ता रहेगा, और मैं इनको आगे, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे, लेकिन ये मेरी अम्मा ही रहेंगी। अब इसका कुछ कंचन जी या कोई और कैरेक्टर आप कर लो, नहीं निकल सकता, मतलब ये अम्मा ही रहेगा, और बहुत बहुत क्या बोलो, अम्मा वर्ड ही इतना प्यारा है, अम्मा मतलब माँ, तो बस यार आप वो इतने प्यारे अम्मा, आप बहुत प्यारे। मैं ये कहना चाहूँगी, सारा प्यार तुम्हारा मैंने लिया। अरे प्लीज इमोशनल नहीं होना अम्मा, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, कोई अगर अपना दुख शेयर करे अम्मा रोने लगती है, एकदम निरुपाई हो जाती है, मेरे मम्मी का भी नेचर है, मतलब रोने धोना नहीं, बिल्कुल आज बर्थडे है भाई, खुश रहो ब्रो
मम्मी को प्यार से मैं बुढ़ो भी बोलती हूँ। एक छोटा सा गिफ्ट मैं चाह रही हूँ, अम्मा ओपन कर ले, फिर बाकी सबके सामने एक गिफ्ट ओपन कर लेंगे। इतना पेशेंस नहीं है हमें, तो चलिए दिखा लेते हैं आप लोगों को। बाकी सब लोग अभी आएंगे सीन के बाद। ये देखो मेरी निरूपा रॉय को। बस ये अम्मा की एक हंसी की कॉपी भी है, बताओ कैसे अम्मा की। आवाज नहीं होती, मुंह ढक लेती है, और कई बार ऐसे भी करती है अम्मा। क्या अम्मा, हाँ। सही कॉपी करती हो ना? बिल्कुल। और एक बात बताओ, जब हम रिहर्सल के लिए सेट पे जाते हैं तो वहाँ पे चेयर सोफा सब कुछ है, लेकिन मुझे और अम्मा को एक ही सोफा में बैठना होता है। तो ठीक है, मैं कहीं बैठ जाऊँ, लेकिन अम्मा जहाँ बैठी है, अगर वहाँ पे कोई और बैठा है, ज़्यादातर संध्या जानबूझ के बैठती है कि मोहिनी दीदी क्या करती है, मैं उसको उठा देती हूँ। उसको पता भी है कि मुझे उठा देगी मोहिनी दीदी, तो भी उसको बैठना है। पता नहीं क्या है, मतलब मुझे अम्मा के साथ चेयर पर बैठ के मज़ा आता है, मतलब एक सोफा मुझे अम्मा के साथ ही शेयर करना है। तो चलो अम्मा, गिफ्ट देख लेते हैं आपका।